दांत जो आपका खराब है, जो टूट गया है चोट लगने से, उस दांत को रिप्लेस करने की जो प्रक्रिया है, जब हम दांत को निकाल देते हैं बाहर, उसके बाद उसको रिप्लेस करते हैं, तो निकालने के बाद घाव भरने में समय लगता है। तो हम तुरंत अगर नाप लेंगे उसका, तो वो घाव जब भरेगा तो हड्डी सूखेगा, मसूड़ा सूखेगा, घाव भरेगा, तो रिजॉर्प्शन होता है, बोन का रिजॉर्प्शन होता है, गम्स थोड़े नीचे जाते हैं। तो आज अगर हम दांत लगा देंगे तो कुछ दिन बाद वो दांत खराब हो जाता है। तो दांत उखाड़ने के बाद आपको थोड़ा दिन वेट करना पड़ता है, क्योंकि आपका आगे का दांत है, अगर हम इसको निकाल देते हैं तो इसमें टेम्परेरी हमको दांत देना चाहिए। टेम्परेरी दांत देंगे तो आपका अंदर का घाव भरता रहेगा, एक दो महीने में घाव भरेगा, तब हम उसके बाद दांत लगा देंगे, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन हम आपकी प्रक्रिया में ऐसा करना चाह रहे हैं कि आपका जो दांत टूटा हुआ है, जड़ तो निकाल देंगे, और जो टूटा हुआ दांत है उसी दांत को हम आपके मुंह में फिक्स कर देंगे, ताकि वो नेचुरल का नेचुरल लुक दे, जैसे आपने अपनी जिंदगी जी है उसी तरीके से वो लुक दे, और जब हमको दांत लगाना होगा तब हम इस दांत को लगा देंगे। इसमें जो है ये दांत मजबूत है, ये दांत भी मजबूत है, और ये दांत पूरा हिल रहा है, देख रही हो, ये दांत पूरा हिल रहा है, और ये तीनों ही दांतों की आरसीटी हुई थी बहुत दिन पहले, कितना दिन हो गया, बीस साल पहले इन तीनों दांतों की आरसीटी मैंने ही किया था, और एपिसेक्टोमी एक सर्जरी किया था। अब 20 साल के बाद ये दांत टूट गया ट्रॉमा लगने की वजह से, ये दांत टूट गया, तो अब मैं इसका जो इलाज मैं करने जा रहा हूँ, तो ये दांत निकाल दूंगा यहाँ। ठीक है, अब ये दांत जो हिल रहा था पहले, जी जो पहले हिल रहा था, अब वो दांत नहीं हिल रहा है, नहीं हिल रहा है ना पूजा, ये जो हिल रहा था पहले अब वो नहीं हिल रहा है, ठीक है, तो ये परफेक्ट हो गया। ठीक है,